वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? ठीक ठीक हैं। अच्छा, आज जी स्टार्ट रुखमा ने किया, कह रही थी कि मैं आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान रजीम पढ़ूंगी। मैंने कहा अच्छा चलें आप पढ़ लें। तो आज एक और छोटा सा आइडिया है, आपने पहले भी ये देखा होगा जी, आपके लिए ही बनेगा, टेंशन नहीं लें। तो आज एक और छोटा सा आइडिया आपने मतलब देखा होगा पहले, तो मैं आपको बना के भी दिखाऊंगी और फिर हाँ जी फिर इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि आप इसको किधर किधर यूज़ कर सकते हैं, कुछ आइडिया देंगे। ठीक है, सबसे पहले ये मैंने पेपर लिया जिस साइज़ की भी, मैं आपको बेसिकली मैं एक बो बनाना सिखा रही हूँ। ठीक है, फिर उसको देखेंगे कि वो किधर किधर हम मतलब यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने पेपर लिया है, इसकी ईजी और जल्दी बन जाएगी, इस वजह से मैं आपको सिखा रही हूँ। जितने भी साइज़ की आपने बनानी है ना, तो उसके हिसाब से आप स्क्वेयर शेप में ले लें पेपर और उसको इस तरह फोल्ड करके दोनों साइडों में, तो इसको हम कट करेंगे। दरमियान में से हम इतनी सी जगह छोड़ देंगे, मतलब 1.5 सेंटीमीटर, और बाकी में ना हम कट लगा लेंगे चारों साइडों पे। मैं हाथ रख लेती हूँ जहाँ तक मैंने कट लगाना है। ठीक है जी जी, एक मिनट, ये मैं कट काट लूँ। ठीक है हाँ जी, बस डो भी है पर जी, रोज़ नहीं डो का बना सकते ना, डिफरेंट चीज़ें बनानी है हमें। पर मुझे डो चाहिए थी, मैं अपना बेलने से रोटी पका लूँ। अच्छा जी ठीक है, जी ये मैंने चारों साइडों से कट लगा लिए इस तरह। इसके बाद हम दो साइड से इस तरह कट करेंगे इसको, ऐसे ऐसे। ठीक है, इसको यहाँ से थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। आप क्या बना रही हैं मामा? आप बैठे ना, मैं आपको बताती हूँ। ये वाले दो साइड एक साइड से निकाल लेंगे। ठीक है, अभी ये देखें ना क्या बन रहा है। इधर से भी हम कट लगाएंगे, लेकिन इधर से ये मिडल वाला जो पार्ट है ना वो हम निकालेंगे, ये वाला पार्ट हम निकालेंगे, ये इधर ही रहेगा। जी जी आपको ही मिलेगा, अपना टेंशन नहीं। यहाँ से ये काट, एक जैसी कटिंग हम दोनों साइड से करेंगे, और इधर से ये वाला पोर्शन छोड़ देंगे और इधर से ये वाला निकाल लेंगे। ठीक है, सिंपल। अब हम इसको जोड़ते हैं जी, कैसे जोड़ना है, जोड़ना क्या है, इसकी शेप बनाएंगे। आज ग्लू नहीं लगाते हैं, कागज़ जो है ये ग्लू के बगैर नहीं चिपकेगा ना, इसलिए ग्लू तो लगानी पड़ेगी। ठीक है, अब मिडल में, नहीं नहीं इसको कोई नहीं सुखाने का टाइम लगता, इसको मिडल में रख के हम क्या बना लेंगे, हम इसको ऐसे जोड़ लेंगे इधर से। मुझे पता है मेरी फेवरेट चीज़ बन रही है। इसी तरह इसको इधर से जोड़ लेंगे ऐसे। ठीक है, दूसरी साइड से भी ऐसे ही ले आएंगे हम। मुझे ज़रा हाथ ही लगाना पड़ेगा जी। ये इतनी बन गई है, इसको हमने आपस में पेस्ट किया है। इसके बाद ये वाला जो पीस है ना, इसको हम यूं करके इधर फोल्ड करेंगे, और पीछे से ये जो एक्स्ट्रा है इसको काट लेंगे हम, इसको इधर तक ही लगाएंगे। ठीक है, तो ये हमारी बो रेडी हो गई। ठीक है, अब इसी तरह मैंने ये फोमिक शीट की बनाई है, फोमिक शीट की थोड़ी इसकी जो है ना, ये इस ग्लू से नहीं चिपकेगी, ये USU से या फिर ग्लू गन वगैरह से जो है ना ये चिपकेगी, इससे वैसे जल्दी हो जाती है। तो अब इसको मैं यूज़ किधर किया है, इसकी मैंने पहले बना के रखती है ताकि ये ड्राई हो जाए। अब ये ड्राई हो चुकी है, अब ये देखें सिंपल जो हेयर पिन होती है ना, मैंने वो लगाई है इसको। ठीक है, अब ये आप इस तरह भी यूज़ कर सकते हैं, हर ड्रेस के साथ, बच्चियों के लिए यूज़ करनी है ना, बच्चियों के ड्रेस के साथ मैच करके आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने बहुत पहले एक चीज़ बनाई थी, वो है तो नहीं अब सलामत, लेकिन मैं आपको दिखा देती हूँ। ये मैंने पाउच बनाया था अपनी सिस्टर की शादी में, अपने कपड़ों के साथ मैचिंग, तो इस पर मैंने ये लगाया था, और ये उस वक्त मुझे बड़ा डिफरेंट और यूनिक सा आइडिया लगा था,
और यकीन करें कि जिस जिसने भी देखा ना उसने मेरे से पूछा कि आपने ये कहाँ से लिया है। हालांकि ये मैंने खुद अपने लिए और अपनी सिस्टर्स के लिए ना मैंने बनाया था, तो इसको हम इधर भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप कोई और बैग वगैरह बनाएं उस पर भी यूज़ कर सकते हैं, बच्चों के कपड़ों पे, कपड़ों पे तो खैर वो कपड़े की इस तरह बन जाती है, वो बना के आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक छोटा सा आइडिया था जो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करूँ। ये तो वैसे बनानी तो आती होगी आपको पहले से, लेकिन ये कि थोड़ा आइडिया। हाँ, इसकी आप वॉल हैंगिंग्स भी बना सकते हैं, ज़्यादा सारी बना के तो वॉल हैंगिंग किसी भी शेप में बना लें। और इसके अलावा जैसे बाकी कामों में मैं यूज़ कर रही हूँ, ज्वेलरी में कर लें, हेयर क्लिप पे कर लें, या कीचेन। यस, मेरे पास ये कीचेन के भी हैं, तो हम इसमें भी यूज़ कर सकते हैं, इसको लगा लें तो ये भी अच्छा लगेगा इससे। तो आप भी बताइएगा कि आपको ये आइडिया कैसा लगा मेरा। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।